हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था एसिड और बेस के बारे में। एसिड को हमने वाटर में कैसे रिएक्ट कराया, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी। नाउ आज हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन। इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे होता है, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली वी नो अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर। वट इज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इट शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स इन सल्यूशन। वी नो दैट एच पॉजिटिव आयन्स गिव ओनली एसिड एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स गिव ओनली बेस। सो यहाँ पे हम एसिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट शो डिफरेंट कलर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर शो होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स इन सोल्यूशन। हेयर वी सी दैट पीएच स्केल। पीएच स्केल में क्या है, हमने एक स्केल लिया जिसकी काउंटिंग है 1 to 14। सेंटर पॉइंट इसका आ रहा है 7। 7 जो है हमारा वो क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे कोई भी चीज़ होती है न्यूट्रल होती है, ठीक है। 1 to 6 क्या है, हमारी एसिडिक नेचर। जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे हमारी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मतलब 1 पे क्या होएगी, मोस्ट एसिडिक होएगा जो भी हमारा कंपाउंड होएगा। नाउ 8 to 14 क्या है, हमारी बेसिक नेचर। इधर क्या है, हमारी बेसिक नेचर इंक्रीज हो रही है और एसिडिक नेचर क्या हो रही है, डिक्रीज। मतलब 14 पे जो हमारा कोई भी कंपाउंड है वो मोस्ट बेसिक होएगा और एसिडिक क्या होएगा, सबसे कम होएगा, ठीक है। यहाँ पे एच नेगेटिव एच पॉजिटिव आयन्स जो क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं और इस तरफ क्या है, एच पॉजिटिव आयन्स हमारे इंक्रीज होते हैं। और 7 जो है हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। मोर द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स आर सेट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने ज़्यादा हमारे एच पॉजिटिव आयन्स होंगे उतना ही हमारा क्या होएगा, एसिड क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग। हेयर वी टेक अ एग्जाम्पल एच सी एल एंड सी ओ एच एसिटिक एसिड। हमने क्या लिया, सेम अमाउंट में लिए दोनों, और दोनों ने क्या करे, एच पॉजिटिव आयन्स रिलीज करे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में। जितने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन्स जितने दिए वो क्या होएगा, मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। नाउ वी कैन से दैट मोर द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स आर सेट टू स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ पीएच स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली लाइफ। हाउ, इधर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। पीएच हमने पढ़ लिया, वट इज पीएच, जो कि हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बता रही थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं क्या वो पीएच सेंसिटिव हैं, उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है पीएच का या नहीं। यस, अवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है नॉर्मली 7 to 7.8, मतलब न्यूट्रैलिटी में। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रेंज क्या है, बहुत ही नैरो रेंज होती है पीएच की। पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6। 5.6 का मतलब रेन क्या हुई, एसिडिक हुई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। विच रेन फ्लो इन टू रिवर्स, हमें पता है जब रेन आती है तो वो रिवर पॉन्ड्स और ओशंस में चली जाती है। उनमें क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है पीएच का। सो वी कैन से दैट सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन रिवर्स इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एसिड रेन इज मिक्स विद द रिवर वाटर। इसलिए जो हमारा पीएच है वो बहुत मायने रखता है हमारी सोशल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में। अवर स्टमक प्रोड्यूस एच सी एल। हम खाना खाते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड होती है। कैसे होती है, हमारा जो स्टमक है वो एच सी एल प्रोड्यूस करता है हमारे स्टमक में। इफ ड्यूरिंग डाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, अगर डाइजेशन के दौरान हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, देन कोज पेन एंड इरिटेशन। हमें इरिटेशन होने लग जाती है, हमारे पेट में थोड़ा पेन होने लग जाता है क्योंकि जो HCl है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पेट में। सो यहाँ पे भी क्या है, पीएच वर्क्स इन अवर डेली लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। जो हमारे टूथ की पीएच होती है, हमारे माउथ में जो टूथ होता है उसकी पीएच होती है लेस देन 5.5, अगर हो जाती है तो वो क्या है, हमारा पेन स्टार्ट हो जाता है। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच। जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एक पर्टिकुलरली पीएच चाहिए होती है फॉर द हेल्दी ग्रोथ। कुछ कुछ प्लांट्स हम देखते हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते या फिर वो एकदम जले जले से हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पीएच होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, अ बी लीव्स एन एसिड। हम बोलते हैं कई की बार क्या है, नॉर्मली हमें बी काट जाती है, ठीक है,
तो वो क्या है, अब उनकी जो बी होती है उनकी स्टमक में, या हम बोल सकते हैं कि उनमें उनके टंग में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड, मिथनोइक एसिड, वो हमारे बॉडी पे छोड़ देते हैं और वो क्या करता है, कोज करता है पेन को फॉर रिलीफ। इससे रिलीफ पाने के लिए हमें बेकिंग सोडा अपने जहां पे भी हमारा स्टंग एरिया होता है वहां पे लगा लेना चाहिए, उससे हमें रिलीफ मिलेगा। तो बाय द डिफेंस ऑफ एनिमल्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये होता क्यों है हमें पेन, क्योंकि जो बी की टंग में मिथेनोइक एसिड होता है वो हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है। ये था हमारा रोल पीएच का इन अवर डेली लाइफ। नाउ वी डन अ क्वेश्चन, डू द बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव एच पॉजिटिव आयंस। हमने पढ़ा था कि जो बेसिक सोल्यूशन होता है वो हमें नॉर्मली ओ एच नेगेटिव आयंस देता है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बेसिक सोल्यूशन है क्या वो हमें एच पॉजिटिव आयंस दे सकता है, अगर दे सकते हैं तो वो क्यों दे सकता है और उसे हम बेसिक क्यों बोलेंगे। येस द बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव एच पॉजिटिव आयंस बट इन लो क्वान्टिटी। इन्होंने बोला है कि जो भी हमारा बेसिक सोल्यूशन है वो एच पॉजिटिव आयंस भी दे सकता है, पर उनकी जो क्वान्टिटी होती है बहुत ही कम होती है। दे आर बेसिक बिकॉज कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव इज मोर देन एच पॉजिटिव आयंस। इन सोल्यूशंस को हम बेसिक सोल्यूशन ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एच पॉजिटिव आयंस है उनकी क्वान्टिटी बहुत ही कम होगी, बट द कंसेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयंस इज मोर देन एच पॉजिटिव आयंस। नाउ कल हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स, व्हाट इज सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स एटसेट्रा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।